नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। रुद्रपुर हाई कोर्ट के आदेश पर फाजलपुर मेहरौना में निर्माणाधीन भवनों पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन ने सभी अवैध निर्माणाधीन भवनों को ध्वस्त कर दिया है। जिला विकास प्राधिकरण ने बिना नक्शा पास कराए निर्माणाधीन भवनों को सील भी कर दिया है और कहा कि यदि कोई बिना नक्शा पास कराए भवन बनाएगा तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर फाजलपुर मेहरौना की सीलिंग भूमि पर अवैध निर्माण पर आपत्ति जताई थी। पूर्व से ही निर्देशित है कि जो हमारी सीलिंग से प्रभावित भूमि है उस पर अवैध निर्माण की शिकायतें जब भी मिलती रही हैं तब भी हमने कार्रवाइयाँ की हैं। और अभी इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई वहाँ पे निर्माण कर रहा है तो हमारी टीम ने जाकर उस निर्माण को तोड़ा है। और ऐसे कभी भी ऐसे कोई प्रकरण संज्ञान में आएंगे या सूचना प्राप्त होगी तो राजकीय हित में ये हम कार्रवाई हमेशा करते रहेंगे। शहर में संचालित नशा मुक्ति केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दो अन्य विभागों के अफसरों के साथ छापेमारी की, जिसमें टीम ने केंद्र से नशीली दवाएं, इंजेक्शन और तमाम टैबलेट्स, आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है, जिसके बाद केंद्र को सील कर दिया गया। जिसके बाद टीम ने दो अन्य नशा मुक्ति केंद्रों में पहुंचकर जाँच पड़ताल शुरू कर दी। बता दें कि शुक्रवार तक टीम सभी केंद्रों की जाँच पूरी कर लेगी। नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र पर आज मेरे और यहाँ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश और तहसीलदार साहब के साथ यहाँ पर औचक निरीक्षण किया गया। औचक और ये हमारे औषधि निरीक्षक भी हमारे साथ थे सुनील जी। औचक निरीक्षण के दौरान यहाँ पर कोई भी इसका स्वामी नहीं पाया गया और ना ही कोई ऐसे उन्होंने अभिलेख हमें प्रदर्शित कर पाए जो कि पूर्णतः पूर्ण होते। निरीक्षण में पाया गया कि तीन मरीज यहाँ पर जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति में यहाँ भर्ती थे। सरोवर नगरी पहुंचे प्रदेश के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अपने परिजनों के साथ मां नैना देवी मंदिर जाकर मां का आशीर्वाद लिया। साथ ही उन्होंने गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेका। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस साल गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा जो इस बार भव्य तरीके से आयोजित की जाएगी, जिसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। पिछले दो सालों में कोरोना संक्रमण के चलते ये प्रतियोगिता नहीं हो पा रही थी। इस मौके पर गुरुद्वारा समिति के पदाधिकारियों ने राज्यपाल गुरमीत सिंह को प्रतीक चिन्ह भेंट किया और राज्यपाल ने राज्य की खुशहाली के लिए प्रार्थना भी की। हरदोई के बेनीगंज थाना क्षेत्र के प्रतापपुर से एक परिवार की पिटाई का मामला सामने आया, जिसमें जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने एक परिवार को जमकर पीटा है। पीड़ित व्हील चेयर पर बैठकर शिकायत दर्ज कराने एसपी ऑफिस पहुंचा है। एसपी ने मामले में कार्रवाई का भरोसा दिलाया है और पीड़ित को न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया। ये इनका थाना बेनीगंज में प्रतापपुर में गाँव पड़ता है। इनके द्वारा बताया गया पूर्व में इनका कोई जमीनी विवाद चल रहा है गाँव के लोगों से। इसी संबंध में आज इनको थाने पर बुलाया गया था, लेकिन प्रातः ही विपक्षी गणों ने इन पर हमला बोल दिया। इन्होंने बताया कि थाने नहीं गए थे, 100 नंबर डायल किया था। इन्हें मैंने बता दिया है थाने पर इनके उचित धाराओं में कदम पंजीकृत किया जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार के दरभंगा से चुनावी सामग्री लेकर हरियाणा जा रहे बिहार के 6 पुलिसकर्मी सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी बिहार से हरियाणा 4 कंटेनर में चुनावी सामग्री लेकर जा रहे थे। इसी बीच स्कॉर्पियो में सवार पुलिसकर्मियों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घायल पुलिसकर्मियों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। सर, ये एक्सीडेंट कैसे, हमने देखे, हमारी गाड़ी आगे थी। कहाँ से आप कहाँ से आ रहे थे? हम दरभंगा से आ रहे थे। और कहाँ जा रहे थे? दरभंगा से हम पंचकूला जा रहे थे। ये हरियाणा? जी जी, हरियाणा। क्या था कंटेनर में? क्या था कंटेनर में? वहाँ से जो मिला है वो सामग्री है, सरकारी सामग्री है। सरकारी सामग्री जी, जी। कितने लोग घायल हुए हैं? घायल यहाँ तो सर 5 आदमी। 5 पुलिसकर्मी, एक ड्राइवर, 4 पुलिसकर्मी।
25,000 रुपए के नामी सईद अहमद को पुलिस ने दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त पर बिजनौर के मंडावर थाने में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज था। मुकदमे के बाद से लगभग 2.25 सालों से आरोपी सईद अहमद फरार चल रहा था, लेकिन सऊदी से बिजनौर आरोपी का आना जाना लगातार रहता रहा। फरार चल रहे अभियुक्त सईद अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही अभियुक्त के अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है। थाना मंडावर में गैंगस्टर एक्ट का एक अभियोग पंजीकृत था, जिसमें सईद अहमद वांटेड चल रहा था लगभग 2.25 वर्ष से। यह सऊदी अरब में रह रहा था। उसी दौरान इसका आना जाना जनपद में लगातार बना रहा। इसको ये उम्मीद नहीं थी कि पुलिस यहां पर गिरफ्तार कर लेगी। इस पर 25,000 रुपये का मेरे द्वारा इनाम घोषित किया गया था। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतरते ही वहाँ के पुलिस अधिकारियों से, ड्यूटीरत अधिकारियों से लाजनी थी, लुकआउट पहले जारी किया गया था। आते ही पुलिस ने इसको अपने हिरासत में लिया, विधिक कार्रवाई करके जेल में भेजा। देवबंद के ग्राम गोपाली के ग्रामीण एक साथ इकट्ठा होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और एक शिकायती पत्र जिलाधिकारी को सौंप दिया। जिलाधिकारी को सौंपे गए शिकायती पत्र में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग तालाब पर अवैध कब्जे कर रहे हैं और तालाब पर कब्जा कर उसमें मिट्टी डालने का भी काम किया जा रहा है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर तालाब को कब्जा मुक्त करा के तालाब को तालाब ही रहने की अपील की है। कुछ भूमाफियाओं ने ज़बरदस्ती इस पर कब्जा कर लिया है और तकरीबन 10 बीघे में इन्होंने मिट्टी डाल दी है। अब हम जिलाधिकारी के पास में आए थे, पूरा गांव के कुछ लोग, कम से कम 50 लोग हैं हम, और यहां पे हमने अपनी एप्लीकेशन दी है और जिलाधिकारी ने हमें यकीन दिलाया है कि उसमें से मिट्टी निकलेगी और जिस तरीके से था वो जोहड़ी रहेगा। अगर हमारी इसमें मांगे पूरी नहीं होती है तो हम सीधा फिर लखनऊ का रुख करेंगे, मुख्यमंत्री का द्वार खटखटाएंगे और गांव में भी लोग उसी जगह पे अनशन पे बैठेंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ किए गए अमर्यादित व्यवहार को लेकर अमेठी में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रिहर के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और अखिलेश यादव के खिलाफ अखिलेश यादव माफी मांगो जैसे जमकर नारेबाजी की। नेताओं ने प्रदर्शन के दौरान अखिलेश यादव के अमर्यादित व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि जिस तरह से यूपी के उप मुख्यमंत्री के साथ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उससे प्रतीत होता है कि पूर्व में मिली हार से सपा नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल विधानसभा में हरे सत्र जिस तरीके से सपा के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने हम सब के लोकप्रिय नेता केशव मौर्य के साथ अभद्रता की और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, इससे पूरा जनमानस आहत है। पिछड़ा, दबा कुचला, व्यापारी सबने इस घटना की निंदा की और उसी को प्रदर्शन करने के लिए आज गांधी चौराहे पर लोग आए हैं और इसी माध्यम से केशव मौर्य को समर्थन देने आए हैं कि केशव मौर्य के साथ दीदी स्मृति रानी की पूरी अमेठी की जनमानस खड़ी। उत्तराखंड में भी योगी के बुलडोजर की तर्ज पर पुलिस महकमा अपराधियों के खिलाफ सख्त लहजा अपनाता दिख रहा है। आपको बता दें कि मामला उत्तराखंड के रुद्रपुर से, जहां उधम सिंह नगर पुलिस ने सद्दाम हत्याकांड के मुख्य आरोपी नवाब अली के घर को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। पुलिस की कार्रवाई से अन्य अपराधियों में हड़कंप है। और खबर रुद्रपुर से, जहां एक बार फिर पुलिस सख्त अंदाज में नजर आई। आपको बता दें कि सुभाष कॉलोनी में हुए हत्याकांड के मुख्य आरोपी की पुलिस कई दिनों से फराक में है। आखिरकार कुख्यात गैंगस्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आरोपी पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। पुलिस आरोपियों के मुताबिक दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे। सीओ सिटी अभय सिंह ने बताया कि सुभाष कॉलोनी वासी सद्दाम के 18 मई की रात को कबाड़ी नवाब और उसकी महिला दोस्त निशा और जुबैर गंगराम और शहनवाज ने हत्या कर दी थी।
दिन पर दिन बढ़ती बेरोजगारी को लेकर उत्तराखंड सरकार एक बार फिर एक्शन में दिख रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वरोजगार से जुड़े मुद्दे पर आयोजित हुए कार्यक्रम में युवाओं को मोदी सरकार की स्वरोजगार योजना के लाभ गिनवाते हुए युवाओं को जागरूक भी किया। बता दें कि योजना का लाभ प्रत्येक युवाओं को मिले इसके लिए AFC इंडिया लिमिटेड को प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंप दी गई। खास बात यह रही कि युवाओं ने इस आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आए दिन सड़क दुर्घटना के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार सड़क सुरक्षा पर साप्ताहिक तौर पर जागरूकता अभियान चलाती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि जिसके अंतर्गत सहारनपुर नगर में भी जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान में मौजूदा ADM अर्चना द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशानुसार प्रचार वाहन प्रत्येक चौक चौराहों पर पहुंचकर सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को पैम्पलेट वितरित कर जागरूक करने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में सड़क सुरक्षा अभियान का जो ये कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत हमारे जनपद में ये दो गाड़ियां सड़क सुरक्षा वैन और एक गाड़ी और ये दोनों मुख्य मुख्य चौराहों पर जाएंगी। इससे सड़क सुरक्षा से संबंधित पंपलेट का वितरण किया जाएगा। और अगली खबर बद्रीनाथ से, जहां बद्रीनाथ मार्ग पर सफाई व्यवस्थाओं और कर्णप्रयाग नगरपालिका के कूड़ा डंपिंग यार्ड को लेकर शिकायत दर्ज करी गई थी, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी चमोली वरुण चौधरी उस जगह का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जिसमें शिकायत निराधार साबित हुई। आपको बता दें कि डंपिंग यार्ड में कूड़े का सेग्रीगेशन और ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। इसके अलावा कर्णप्रयाग नगरपालिका का नया डंपिंग यार्ड भी तैयार हो चुका है। अलीगढ़ में एक बार फिर से बदमाश बेखौफ दिखे। आपको बता दें कि थाना कुआरसी इलाके में बदमाशों ने नगर में सार्फा कारोबारी की पत्नी और मासूम बेटे के दिनदहाड़े घर में घुसकर चाकू से गोद कर ईंट से कुचलकर निर्मम हत्या की। सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना जैसे ही पुलिस कंट्रोल रूम पहुंची तो जिले के SSP, 3 क्षेत्राधिकारी, कई थानों की पुलिस फोर्स, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंच गए और गहनता से घटनास्थल का मौका मुआयना कर मां बेटे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमेठी में एक बार फिर से दबंगों के हौसले परवान चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि मामला अमेठी के कमरौली थाना क्षेत्र का, जहां दबंगों ने जमीनी विवाद में तैश में आकर महिला पर हमला कर दिया। महिला ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया है कि पुलिस ने तहरीर देने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया। फिलहाल पुलिस के उच्च अधिकारियों ने महिला को आश्वासन देते हुए जाँच की बात कही है और कहा है कि जो भी इस पूरे प्रकरण में आरोपी होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पिछले दिनों अमेठी में एक दिवसीय दौरे पर आए सीएम योगी आदित्यनाथ से विधायक सुरेश पासी ने जगदीशपुर विधानसभा में तहसील बनाने की मांग की थी, जिसको लेकर एक बार फिर विधानसभा में विधायक सुरेश पासी ने विधानसभा जगदीशपुर के लिए विधानसभा सत्र के दौरान अपने क्षेत्र जगदीशपुर 184 विधानसभा के लिए तहसील बनाने की मांग की है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।